वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। सो इस वीडियो में हम JSSB PRT के अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 20 से 25 दिन पहले ना YouTube पे बहुत ज़्यादा हंगामा मच गया था कि PRT की वैकेंसीज आ रही है, PRT की वैकेंसीज आ रही है, आने वाली हैं, एक हफ्ते में आ जाएंगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ये बात है करीब 20 से 25 दिन पहले की, एक महीने पहले की। उस टाइम पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको उसमें बोला था कि भले ही YouTube पर बोल रहे हैं लोग कि वैकेंसीज आने वाली है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो देखो वैसे ही हुआ, नहीं होने वाला, क्योंकि देखो कुछ कॉमन सेंस भी काम करता है। ज़रूरी नहीं इस चीज़ के लिए हमारे सोर्स लगे हों तभी हमें पता हो, बट कुछ कॉमन सेंस का भी यहाँ पर रोल होता है। उस टाइम पे क्या होता, क्योंकि JSSB PRT का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था और फाइनल रिजल्ट से पहले तो JSSB PRT की वैकेंसीज निकाल ही नहीं सकती थी, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि भले ही YouTube पे पता है किसी ने एक वीडियो बना के बोल दिया था कि PRT की वैकेंसीज आने वाली है, उसके बाद सब लाइन में लग गए थे कि हाँ वैकेंसीज आ रही है, बट देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और अभी ये सेम आप YouTube KVS के साथ भी देख सकते हो कि KVS की वैकेंसीज आने वाली है, तो सब स्टार्ट हो गए। अच्छी बात है KVS की वैकेंसीज आ जाए, आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, हम प्रिपेयर करेंगे। बट KVS के मामले में हमारे साथ ये पहले भी हो चुका है। देखो ये बात है, फरवरी में था, फरवरी मार्च में कि वैकेंसीज आ रही हैं, अप्रैल में आ जाएंगी, फिर जून में हुआ कि हाँ जून में वैकेंसीज आ जाएंगी, तो बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि KVS की वैकेंसीज आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट आप इस चीज़ पर ना तभी ट्रस्ट करना जब प्रॉपर हाँ आपको लगे, मीन्स कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाए KVS की साइड से, KVS की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आपको मिल जाए कि हाँ भाई वैकेंसीज आ रही हैं, तो उस पर ट्रस्ट करना, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज वगैरह प्रिपेयर करना, जॉब वगैरह छोड़ना उसके बाद ही, ठीक है। और रही बात JSSB PRT की, देखो JSSB PRT की वैकेंसीज जो अभी हैं इस साल तो नहीं आनी, इस साल इन द सेंस कि सिर्फ एक महीना 7-8 दिन रह चुके हैं, मतलब एक महीना रह गया है, तो इस एक महीने में तो वैकेंसी नहीं आनी, ठीक है। तो इसके दो रीज़न वर्क करते हैं JSSB में, कि एक तो JSSB का जो ड्रेस कोड होता है वो बहुत अफेक्ट करता है इस सिस्टम को। सबको लगता है कि यार ये क्या बात है, ड्रेस कोड एंड ऑल, इसकी वजह से एग्जाम ना होना या फॉर्म ना भरवाना, वैकेंसी ना निकालना, ये कोई बात नहीं है। बट आप खुद से और एनालाइज करो चीज़ों को, तो आप लास्ट 5 ईयर्स का ना डेटा उठा के देख लो JSSB का, तो आपको पता चलेगा कि इसको प्रोसेस को ना बहुत हद तक अफेक्ट करता है। JSSB भी नोटिस करके चलता है ये चीज़ें कि किस महीनों में हम एग्ज़ाम करवा सकते हैं क्या नहीं। सेकेंड चीज़, ये जो नवंबर का टाइम था वो ऑलरेडी PGT TGT की जो वैकेंसी निकली थी उन स्लॉट के लिए ऑलरेडी बुक था, है ना, कि ये एग्ज़ाम वगैरह हमको लेना है इस टाइम पे। और आपको पता था कि अभी JSSB ने TGT की वैकेंसीज निकाली थी, लाइब्रेरियन और TGT समथिंग, तो उसकी डेट ना अब तक आ जाती, बट जस्ट बिकॉज क्यों नहीं आई, क्योंकि ना दिसंबर है, नेक्स्ट मंथ दिसंबर है ना, तो उसमें JSSB एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, तो वो एग्जाम होगा जाके मिड फरवरी में या मार्च में, ठीक है। तो अभी JSSB PRT की वैकेंसीज आने के ना बहुत कम चांसेस है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वही फॉर्म भरवा के रख लिए जाएंगे, पेपर हमारा बाद में ही होना है, बट जहाँ तक है 2024 में इलेक्शन है, तो उसको प्रोसेस को अच्छा दिखाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए JSSB पे प्रेशर है। मींस ऑब्वियसली क्योंकि अभी चुनाव है, खैर वो चीज़ हम साइड में करते हैं। मोस्टली रीज़न क्या है कि पहले PGT की वैकेंसीज आने के ज़्यादा चांसेस हैं, PGT की वैकेंसी पहले आएगी, उसके बाद PRT की वैकेंसीज आएगी, ठीक है। क्योंकि TGT वगैरह ऑलरेडी निकल चुके हैं और JSSB ने जो कैलेंडर रिलीज करा था तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी PGT की वैकेंसीज पेंडिंग है, तो पहले PGT की वैकेंसीज आएंगी, उसके बाद JSSB PRT की वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। और इस बार ये भी है, आपको भी पता होगा कि जो हमको कैलेंडर रिलीज करा था JSSB ने, उसमें अच्छी खासी वैकेंसीज थी PRT की, तो ऐसा रूमर्स भी है या फिर सारे लोग कह रहे हैं, यूट्यूब से ही मैंने सुना है कि उसमें जो है कुछ 256 सीट्स जो है इंक्रीज करी जा रही है, तो उस 256 सीट्स को उनको इसमें इंक्रीज करना है, तो इसलिए उसमें टाइम लग रहा है क्योंकि उसको उसमें सारी चीज़ें मर्ज करनी होती है, फिर देखना होता है किस स्कूल में किस हिसाब से अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ करनी है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि अगर उन सीट्स की वजह से टाइम बढ़ रहा है और वो सीटें मर्ज होने वाली हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही एक हफ्ते पहले DOE का नोटिस निकला था, रिलीज हुई थी कि उसमें कितनी सीटें वैकेंट है, तो PRT के अप्रॉक्स उसमें 426 समथिंग कुछ सीटें जो है वैकेंट है ओवरऑल मिला करके DOE की, तो अच्छी बात है। हो सकता है आगे जाके हमें DOE में और दोबारा से वैकेंसीज देखने को मिले, वैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होते हैं DOE में, बट स्टिल अगर हमें चांस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो के थ्रू मेरे को यही बोलना है कि ना अभी JSSB PRT के लिए मत बैठो, क्योंकि थोड़ा सा ना टाइम लग सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, दो से तीन महीने में ना हमें पता चल जाएगा कि कब हमारा फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब हमारा एग्जाम होना है और कहाँ तक तैयारी करनी है। बट अगर अभी सिर्फ आप JSSB PRT पे रहोगे तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
सेकंड चीज, अभी ना हमारे पास टाइम है तो उसको वेस्ट मत करो। अब देखो बोल ही रहे हैं यूट्यूब पे केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, तो अच्छी बात है, तो अपना जो फोकस है ना केवीएस की तरफ कर लो। मीन्स हो सकता है आप एक टारगेट को लेके बैठे रहो और फिर हमें कुछ ना मिले, जैसा मेरे साथ पहले हुआ। तो अभी क्या है, देखो एनवीएस की डेट आ चुकी है, 30 तारीख को एनवीएस का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद AEES की कभी भी डेट आ सकती है, मतलब AES का एग्जाम हो सकता है दिसंबर में, कभी भी डेट आ जाएगी। तो ऑब्वियसली जो बच्चे DEESBPRT की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने AEESPRT का भी भरा होगा, तो आप AEES की तैयारी करो। KVS के फॉर्म आने वाले हैं और KVS की वैकेंसीज अगर आ रही हैं तो आप उसकी तैयारी करो। NVS के जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे आप उसकी तैयारी कर ही रहे हो, तो मेरा साथ में। और फिर सुपर टेट का आपने देखा कि यूपी के में निकाला है कि कितनी सारी वैकेंसीज है, मीन्स की 70,000 वैकेंसीज, 52,000, 70,000 पहले वाली, 68 थी जो, और 52,000 न्यू वैकेंसीज जो है वो खाली है। तो हो सकता है सुपर टेट की भी वैकेंसीज आ जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन की वजह से फॉर्म भरने को हमें मिल जाए सुपर टेट का भी, तो हम उसको बहुत सारे चांसेस होंगे। तो हमारे पास ना बहुत सारे चांसेस हैं ग्रैब करने के। और फिर आप लोग, ये वीडियो में स्पेशली मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप DEESBPRT के पीछे मत भागो और चीजों में भी थोड़ा सा इधर उधर देखो, क्योंकि आप लोग ही मुझे बोलते रहते हो कि इतने सारे फॉर्म भरती रहती हो तो हमें भी बता दिया करो, ये है वो, मतलब हमको भी बताया करो जो जो फॉर्म भरते हो। सो इसमें मैं यही कह रही हूँ कि ये जो आपके पास चांसेस हैं अपकमिंग मंथ्स में जो आपको फॉर्म भरने के लिए या फिर एग्जाम देने के मौके मिल सकते हैं, तो आप इनको भरो, इन पे तैयारी करो, इसकी तैयारी करोगे तो साथ में DEESBPRT में भी कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगी। तो यस, आप इन एग्जाम्स के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। और सेकंड चीज, इसके अलावा मैं जिस भी फॉर्म भरूंगी टीचिंग लाइन के अलावा या जो भी मेरे को लगता है कि आप लोग फिल कर सकते हो, उसको भी मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगी कि हाँ आप ये फॉर्म भी भर सकते हो, ये एग्जाम दे सकते हो आप, ठीक है।